हेलो गाइस, इन्वेस्टमेंट ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी एक ईएमआई कार्ड बनवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक ही कार्ड से आप सभी तरह की ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ईएमआई कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह का ये एक कार्ड होगा जिसकी लिमिट आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग और यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये बजाज फिनसर्व का इंस्टा ईएमआई कार्ड है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अप्लाई करने का सिस्टम बहुत ही आसान है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसके अंदर अप्लाई करके जो मुझे लिमिट मिली उससे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो लोन्स हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं। जैसे 74,900 रुपये का लोन अमाउंट है और अभी ये मैंने लिया है, और उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक 11,049 रुपये का एक लोन यहाँ पर है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप इससे ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं शॉपिंग के लिए, आप उनसे शॉपिंग कर सकते हैं। ईएमआई नेटवर्क कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरी डिटेल जैसा यहाँ पर दिख रहा है। अब इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कार्ड्स पर हम जाएंगे तो ईएमआई नेटवर्क कार्ड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इंस्टा ईएमआई कार्ड यहाँ पर मिल जाएगा। आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो एक ही कार्ड से आप सारी शॉपिंग्स कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। अप्लाई करने का सिस्टम भी बहुत आसान है। नीचे लिंक पर क्लिक करके जब आप आएंगे वेबसाइट पर, तो सिंपली आपको अपने मोबाइल को वेरीफाई करना है और आपका जो कार्ड है वो दोस्तों आवेदन के लिए चला जाएगा, और इंस्टेंटली ही आपका जो कार्ड है उसकी लिमिट, सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल से रिलेटेड, यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आप खरीद सकते हैं। जैसे एयर कंडीशन है, एयर कूलर है, जो भी आपको चाहिए अप्लायंस के अंदर, होम किचन के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं कार्ड्स पर जाता हूँ तो अलग अलग तरह के यहाँ पर कार्ड्स आपको मिलेंगे। ईएमआई नेटवर्क कार्ड मिलेगा, इंस्टा मिलेगा, और फ्यूचर ग्रुप ईएमआई कार्ड मिलेगा। तो जिस भी कार्ड को आपको अब अप्लाई करना है वो आप यहाँ से सीधा सीधा कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के लिए भी आप यहाँ से आवेदन सीधा सीधा दोस्तों कर सकते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर करता हूँ दोस्तों इसका सिंपल प्रोसेस। तो यहाँ पर डालना है हमें सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर। मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद में गेट इट नाउ पर हमें क्लिक करना है। गेट इट नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी कार्ड बना हुआ है जिसकी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, ये इस तरह का कार्ड आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक्टिव स्टेटस के साथ में। और अगर आपकी जो कंप्लीट हो चुका है लोन का पूरा प्रोसेस, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको स्टेटमेंट देखना है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने इसे काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरे लोन्स हैं जो क्लोज़ हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये दो लोन हैं जो मेरे दोस्तों एक्टिव हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके थ्रू आप बहुत ही कम दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ में आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, और कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो नो कॉस्ट ईएमआई पर भी आपको मिल जाते हैं। यानी कि आपको किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, और जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस है उसे आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ईएमआई के फॉर्म में प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सिंपली आपको करना है क्लिक, उसके बाद में आप सीधा दोस्तों इसके अप्लाई वाले पेज पर आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ आपकी जो लिमिट है वो यहाँ पर शो होगी बजाज फिनसर्व की तरफ से। यहाँ पर आपका जो कार्ड नंबर है वो आएगा, उसके बाद में जो आपकी वैलिड तिथि है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इंस्टा प्लोअर और एक्टिवेशन के लिए सारी डिटेल आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाएंगी। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।